गुरबाणी में गुरु महाराज समझाते हैं कि तरम राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। लेखा इज व्हाट, आपका अकाउंट क्या है। जैसे हमारे बैंक अकाउंट होता है, हम पैसे डालते रहते हैं निकालते रहते हैं ना, तो हम ही ट्रांजेक्शन दिखते हैं, हमें कितना डेबिट हुआ कितना क्रेडिट हुआ है ना, देखते हैं ना, स्टेटमेंट निकलती है। उसी तरह से साध संगत जी ध्यान में रखना, मरने के बाद हमारी लाइफ की सारी एक्टिविटीज की भी ट्रांजेक्शन निकलेगी। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, कब किया, हमारे गिंदे कर्म, हमारे अच्छे कर्म, नाम जपा कि नहीं जपा। जब हम खत्म होते हैं ना, तो वहां पर लॉर्ड्स कोर्ट होगी, भगवान का दरबार, कोर्ट समझते हो ना, कोर्ट कचहरी। वहां पर भी कोर्ट कचहरी लगती है, और वो सच्चाई की कोर्ट कचहरी है, नॉट लाइक दिस वर्ल्डली कोर्ट कचहरी। यहां पर तो कई बार गलत फैसले भी दे दिए जाते हैं, बट वहां पर ना इतना जबरदस्त वाहेगुरु जी ने एल्गोरिथम बनाया हुआ है ना, एक छोटा सा डॉट भी इधर से उधर नहीं होता। आपके अकाउंट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, एंड देन आपको नेक्स्ट लाइफ दी जाती है। वहां पर जो कोर्ट है ना, उस कोर्ट में जो जज होता है ना, उसको धर्मराय कहते हैं, धर्मराज। उसके सामने हमारी पेशी होगी, उसके बाद धर्मराज आपकी अगली लाइफ का ऑर्डर देगा कि अब इस बंदे को कौन सी लाइफ देनी है, जूनों में भेजना है, वाहेगुरु जी के पास भेजना है, या इससे पूछना है, सुनना है कि ये कुछ कहना चाहता है, या इसको नरक में भेजना है। नरक की भी बात गुरु साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में की है बहुत बारी, एक टेम्प्रेरी नरक होता है, बट अगर हमने नाम जपा होगा, हमने वाहेगुरु जी से कनेक्ट कर लिया होगा, हम एक प्योर सोल बन चुके होंगे, तो वहां पर उसी कोर्ट में हमारा सत्कार होगा, हमें ऑनर दिया जाएगा। जब तक हम इन चीजों का विचार नहीं करेंगे, तब तक हम सीरियस नहीं होंगे लाइफ में। पर साध संगत जी, ट्रुथ यही है, सच्चाई यहाँ पे है, सच्चाई गुरबाणी में है और कहीं नहीं।